मैं आप लोगों का बायोलॉजी केंद्र प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने मेडिकल में एडमिशन के लिए नीट की जानकारी दी थी। यदि किसी कारणवश छात्र का मेडिकल में एडमिशन नहीं हो पाया तब उसे हताश होने की आवश्यकता नहीं है, वह अप्लाइड बायोलॉजी के लिए प्रयास कर सकता है। अप्लाइड बायोलॉजी में आता है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, सेरिकल्चर, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी एवं अन्य और ब्रांचेज है। इसका ड्यूरेशन, कोर्स का ड्यूरेशन 4 इयर्स का होता है। अब इसमें एडमिशन कैसे होगा, अच्छे यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन कैसे कराएंगे, इसके लिए ICARAIEA एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, AIEEA ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन, ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है। और कंडक्ट कौन करता है, तो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसमें क्वालिफाई करने के बाद, अच्छा रैंक आने के बाद, वह इन ब्रांचों में अच्छे अपने मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है। अब इसमें इस एग्जामिनेशन में बैठने के लिए इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, तो वह कहता है कि जो यदि स्टूडेंट 10+2 एग्जामिनेशन पास है या उसी वर्ष उसमें अपीयर होगा किन सब्जेक्ट से, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्रीकल्चर। इसमें परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना होना चाहिए, तो जनरल और ओबीसी के लिए 50% और SC ST के लिए 40%। एज कहता है इसमें अप्लाई करने के लिए जिस वर्ष में आप एडमिशन लीजिएगा उस वर्ष के 31 अगस्त तक 16 इयर्स होना चाहिए। अब है जो ये नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है, इसमें सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का 15% एडमिशन होता है। लेकिन इसमें भी है जो RLB CAU झांसी, RLB सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी, NDRI करनाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा बिहार के 100 सीट पर एडमिशन इसी के द्वारा होता है, ICAR के द्वारा भी होता है। नेक्स्ट ऑल इंडिया कोटा 15%, रेस्ट जो 85% हुआ वह स्टेट कोटा है, जो स्टेट लेवल का जो एग्जामिनेशन होता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन उसके द्वारा एडमिशन होता है। अब यह है जिसमें हम कितने बार बैठेंगे, कहता है कि मैक्सिमम 23 इयर्स तक ही आप बैठ सकते हैं, टेन द एज ऑफ 23 इयर्स। अब स्टूडेंट के मन में यह उठेगा जिसका स्कोप क्या होगा, ये पास करने के बाद हम क्या करेंगे। यदि आप बीएससी कर रहे हैं, बीएससी किए हुए हैं, तो बैंक में आप एग्रीकल्चर ऑफिसर में बहाली हो सकती है आपकी, या गवर्नमेंट सेक्टर में आप एग्रीकल्चर अफसर के रूप में बहाल हो सकते हैं। यदि MSc किए हुए हैं PG, तब ICAR में साइंटिस्ट के रूप में आप बहाल हो सकते हैं, या जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें लेक्चरर की
की बहाली के लिए आप सक्षम हो सकते हैं। इसमें आप प्रयास करने के बाद आपको सैलरी भी अच्छा मिलेगा, मिनिमम 25,000 पर मंथ से 86,000 पर मंथ तक, या यदि आप नवाड़ में हो जाता है आपको और अधिक से अधिक आपको पर मंथ सैलरी होगा। यदि आप ये करने के बाद बीएससी एजी करने के बाद या इन ब्रांचों में बीएससी करने के बाद एमबीए कर लेते हैं तो आप प्राइवेट सेक्टर में हायर पोस्ट पर भी जा सकते हैं। धन्यवाद।